सुबह के 7 बज रहे थे, नींद खुलने का नाम ही नहीं ले रही थी, लेकिन जैसे तैसे करके यार अपनी नींद को उड़ाया, नीचे आया, गाड़ी को स्टार्ट किया और गाड़ी भी उड़ गई। मतलब कि गाड़ी का जो पता नहीं क्या ख़राब हो गया, बट जो भी था यार ये जा रही है मेरी ड्रीम कार। और आज का दिन तो ऐसे स्टार्ट हुआ यार, मैं ऑफिस के लिए निकल रहा था सुबह सुबह और गाड़ी स्टार्ट हुई है, उसके बाद फिर बंद हो गई एकदम से। आई डोंट नो क्या हुआ यार, पहले वो पुरानी वाली गाड़ी पे तो कभी ऐसे हुआ नहीं है, नई वाली गाड़ी में फॉल्ट आने लग गया। और अभी जो है ना वो कवर रिकवरी वालों को बुलाया और उन्होंने लंबा खर्चा बताया, जैसे कैप बेल्ट होती है कोई, पता नहीं क्या वो टूट गई है या पता नहीं क्या हुआ है, तो वो गैरेज में ले गए। कहते हैं ना कि जब आपका टाइम बुरा चल रहा हो तो ऊंट पे बैठे हुए बोने आदमी को भी कुत्ता काट जाता है, तो बस वैसे वाला सीन हुआ है, क्योंकि अभी ये गाड़ी तो गई और कल रात को अपनी पुरानी वाली गाड़ी भी सेल कर, आज शायद वो चली जाएगी। अभी जिन्होंने लेनी है वो यहाँ से अभी गए हैं टेस्ट ड्राइव करने के लिए, और सोचा नहीं था कि ये वाला इमोशन फील करने वाला हूँ मैं। अजीब सी मतलब फीलिंग आ रही है तेरे साथ थी यार, तो वो गाड़ी जा रही है तो दुख हो रहा है यार, और मतलब ऐसा दुख और खुशी और ये सब कुछ तो फिर ब्लॉग करना बनता है ना, तो बस इसलिए मतलब ज़रा शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ यार। अभी ना मतलब अनएक्सपेक्टेडली ज़रा इमोशनल वाला सीन चल रहा है। A few moments later, ये जो गाड़ी है ना इसका डन हो गया है और अब ये जा रही है, मैं इसको नहीं जा रहा दूंगा, मेरी गाड़ी बस। नहीं यार, ऑल द बेस्ट, आज तक के जर्नीज हमने इकट्ठे किए और इसके आगे के जर्नीज जो है अब तुम किसी और के साथ करो। यार सोचा नहीं था बाकी इतना बुरा लगेगा, बट सही है ठीक है। See you somewhere on the road. अब ये गाड़ी भी चली गई, वो गाड़ी भी चली गई, लेकिन मूड को लाइट करने के लिए शेख लेके आया छोटा सा सरप्राइज। यार शेख भी बहुत मजे की चीज लेके आ रहा है, कह रहा है कि यार कोई सरप्राइज है, शुगर लगाते हैं, देखते हैं क्या सीन है। क्या लेके आया टाकी? किधर है? ओए टाकी, ये मेरे घोड़ा खराब है, गजब बेइज्जती है। ये टाकी, ये क्या भारी लग रहा है, चेक कर रहा जल्दी क्या ये, इसकी इनबॉक्सिंग कर रहा था। इनबॉक्सिंग, ये पकड़, मैं चाकू लेके आऊं। यार ये तो सही शुगर लगा करेगा अब यार, चेक कर, फेंक, डब्बा नहीं चाहिए, डब्बा नहीं चाहिए। यार तो ये सीन है, प्ले स्टेशन 5 8K गेमिंग यार, 120 हर्ट्ज़ पे, जबरदस्त मजा आने वाला है। प्रीमियम अनबॉक्सिंग यार, कितने अर्से के बाद इस चैनल पे हम अनबॉक्सिंग कर रहे हैं यार, इनबॉक्सिंग कर रहे हैं, इनबॉक्सिंग यार। सोनी वालों की कोई अच्छे ही लगा देते यार, यार वैसे सोनी को हमें पैसे देने चाहिए, सोनी का कैमरा, सोनी के लेंसेज, सोनी का प्ले स्टेशन भी आ गया। नहीं सर, चीज़ हर चीज़ सोने की, डब्बे में डब्बा, ओए हैंडल, हैंडल नहीं कंट्रोलर यार, क्या बाबा नहीं होते यार, हैंडल खराब हो गया इसका, नया सही करवा के। वाइल यार, किसी फील नहीं, मतलब सारी रात प्लेस्टेशन खेला और सुबह सुबह निकल के हम लोग मैनचेस्टर के लिए। आज शेख की गाड़ी लेने जा रहे हैं। हाँ ढगी, गाड़ी लेने जा रहे हैं फिर। तो ये ले अपनी गाड़ी में लगा ली, ठीक है केबल। हाँ अहमद कैसा है? अली अकेली मेरी का है ये, गुड, बस अच्छी बात है, ऐसी बातें करनी चाहिए। लेट हो गया वैसे निकले, कौन सी गाड़ी लेने जा रहा है? मैं यूजेट 3008। क्या उस आदमी को जिसने मेरी शर्ट पे लिख दिया, क्या लिखा यार? गद्दार, गद्दार। ये बाइकिंग की लैंग्वेज लिखी हुई है यार, वो टैक्सी दे, ऊबर की टैक्सी। हाँ वो देखो जो लंडन ब्रिज आ गया, ये दोबारा शार्ट देखो इस तरफ आ गया, ये चलती भी है, पहले इस तरफ थी अब इधर आ गई। बस ऐसे ही मस्ती में सफर गुजर रहा था और मस्ती में हम लोगों ने अपनी डायरेक्टली ट्रेन मिस कर दी। अब यहाँ से हमें लेनी पड़ी लंदन अंडरग्राउंड और उसके बाद हमें लेनी पड़ी मेगा बस, जो कि बस ठीक है लेकिन आधे रास्ते तक गुजर चुके और इतनी बुरी कोई हालत हो रही है ना यार, तो अभी ना नौजिया हो रहा है बहुत अरसे के बाद, बस में बैठ के से तबीयत खराब हो रही है। मेगा प्रदेश की कश्मकश हो रही थी ना हमारी, जो यहाँ पे बेचारे प्रदेशों को मसले आते हैं, तो लोटा छोटा होता नहीं है, मतलब जब होता है तो लिमिटेड पानी होता है, तो उसे धोते छोते कैसे हैं। तो जो अभी तक जो विनर जा रहे हैं ना, वो जा रहे हैं अहमद। अहमद क्या कह रहे हैं?
इस पॉइंट तक आके मैंने ये तो डिसाइड कर लिया था कि यार आइंदा कभी मेगा बस में लंदन से मैनचेस्टर नहीं जाना, क्योंकि इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब थी कि अगर 5 मिनट भी और मैं बस में बैठता ना तो मेरी बस हो जाती, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब थी। बट जैसे तैसे करके हम लोग फाइनली पहुँच ही गए। ड्राइव कराने के बाद ना फाइनली हम यहाँ पहुँच गए और ये है गाड़ी ठाकी। यार क्या ज़बरदस्त गाड़ी लग रही यार, चमा चम। जबरदस्त यार ठाकी, बेस्ट है, बेहतरीन बेहतरीन। तो इतने सारे रेस्टोरेंट से हम कंफ्यूज हो गए, समझ गए हम सनम रेस्टोरेंट में आए हैं और यहाँ पे हमने मंगवाई थी चिकन कढ़ाई 1 kg और अभी जब आई है तो छोटी सी है, तो अभी टेस्ट करते हैं कैसी है। और अहमद ने अपनी स्पेशल फरमाइश पे भिंडी और गोश्त मंगवाया है। अहमद तो अभी देखते हैं सीन क्या है। और रोगरी नान भी तो दिखा, रोगरी प्रॉपर नान है यार। बारबी की तो भूल ही गए थे, वो अभी आए तो बारबू की खा रहे हैं अभी हम। थैंक्स यार, मैं तुम लोग को उधर ढूंढ रहा हूँ, तुम इधर बैठे हो यार, ये क्या चक्कर है, ये क्या हो रहा है? हाय 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 यार, देखो जो मर्जी खाना खा लो, जो मर्जी ट्रेड ले लो, लेकिन जब तक मीठा नहीं खाओगे ना किसी भी नई चीज़ लेने का, तो वो चीज़ पूरी नहीं होती है। तो अब वो चीज़ पूरी हुई है। हाँ ठगी कॉन्ग्रेचुलेस। ये तू क्या खा रहा है? मैंगो फल होता, और तू पिस्ता फल होता। मैं मेरा भी पिस्ता है, बस सही है, फिर खाते हैं और फिर निकलते हैं। यार अब नई नई गाड़ी थी तो शेख को चलाते हुए थोड़ी सी घबराहट हो रही थी, और वैसे भी हमें उठे हुए 24 आवर्स से ज़्यादा हो चुका था, तो शेख घबरा रहा था कि यार GTA समझ के कहीं इधर उधर लगा ना दे गाड़ी। तो ड्राइविंग मैंने संभाली थोड़ी बहुत, शेख ने भी प्रैक्टिस की रास्ते में आते हुए, और जैसे तैसे करके हम लोग पहुँच गए वापस लंदन। और शेख ने भी गाड़ी चलाई है तो अब थोड़ा सा कॉन्फिडेंट हो गए, शेख नई गाड़ी में है। भाई चल मुबारक हो यार, फिर निकलते हैं यार। The next day. यार अभी सही तरह से मैनचेस्टर की थकावट भी नहीं उतरी थी कि गुड न्यूज़ मिल गई कि गाड़ी आपकी सही हो गई है, आप आज ही आके इसको पिक कर लो। अब एक्साइटमेंट इतनी ज़्यादा थी कि शेख और मैं उसी दिन निकल पड़े गाड़ी को लेने के लिए नॉटिंघम। हमने हिसाब लगाया जब गाड़ी दूर से लेने जाओ ना सिटी से बाहर, तो खबारी होती होती है, मतलब हमें तो होती है। अभी क्या हुआ कि हमारी पिछली ट्रेन जो थी वो जिस पर हम जा रहे थे अगली ट्रेन लेने के लिए, वो थी लेट, और उसकी वजह से अगली ट्रेन मिस हो गई। अब उससे अगली ट्रेन जो है वो 1 घंटे के बाद है। अब 1 घंटे के लिए हम इस सिटी में, सुनसान इलाका, वैसे सुनसान तो नहीं है इतना, लेकिन सही है, बस इतना पॉपुलेटेड भी नहीं है। तो यहाँ पे इस एरिया का नाम है ग्रैंथम करके कुछ एरिया है, और यहाँ दूर दूर तो कोई शॉप नहीं है, और भूख से ना बुरा हाल है। यार ये ट्रेन चेक करो, VIP सिस्टम है फुल, और इतना सुकून वाला शेख को नींद आ रही है। बस हम ऑलमोस्ट पहुँचने वाले, मिल जाए गाड़ी यार, क्योंकि गाड़ी के बगैर ना नंगा नंगा फील होता है। यार यहाँ पे हम पहुँच गए कितनी सुनसान जगह पे ना, हम लेट हो रहे थे, उसने कहा था यार मैं गाड़ी ना अपने घर ले आऊँगा और अपने घर के बाहर खड़ी कर दूंगा। और देखो यार चारों तरफ कितना सुनसान है, वो दिखाओ यार, देख लीजिए, मतलब यहाँ से गाड़ी खड़ी की हुई है और अभी तक यकीन हो नहीं रहा कि यार सही होगी। इमोशनल वाली फीलिंग आ रही है, पता नहीं, मतलब अभी तो नई नई गाड़ी थी। चाबी नहीं है ठगी, मैं इसने रखी होगी हाथ में, दिखा, लाइट कर फिर रात पूरा। हाँ ये है, ये पड़ी है, हाय द मोमेंट ऑफ ट्रुथ। चेक करके गाड़ी स्टार्ट भी होती कि नहीं, पहले तो बिल्कुल स्टार्ट ही नहीं हो रही थी, है ना। हाँ स्टार्ट, पहले पटाखे बजे थे 10 तरह के। ओए बुद्धू ना जाए, स्टार्ट हो रही है ठगी। ड्रीम कार ऐसी थोड़ी जाने देंगे। तो ये थी अभी तक की कहानी, अब बाकी की कहानी जो है ना वो तो अगले वाले ब्लॉग में। तो फिर एज ऑलवेज, तब तक के लिए, जब तक के लिए, अगले ब्लॉग तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं। यार लोडेम करके भी जगह है यहाँ पे ना, रास्ते में जाते हुए आई है यार, ये वाली शॉप है लोडेम फास्ट फूड, और क्या मज़े का पिज़्ज़ा लिया यार हमने इनसे, और अभी हम ना यहाँ पे बैठ के खा रहे हैं। दिखा ठगी पिज़्ज़ा प्रॉपर, वो कैसे ठगी बड़े चिकन ने पका के दिए, मैंने की बात।